Hello friends, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss about B.Ed syllabus of semester 1. So we'll start with our first subject, which is childhood and growing up, and we will discuss about its first unit, growth and development. So इस वीडियो में हम अपने नोट्स को डिस्कस करने के साथ साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ एग्ज़ाम्स में कैसे आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, क्या पैटर्न होता है आंसर्स को लिखने का, वो भी डिस्कस करेंगे. सो ये जो आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे जो एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और गिव डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इट्स प्रिंसिपल, ऐसे करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. सो अब इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने होते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन आए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो फर्स्ट आप अपने वर्ड्स में उस टर्म को एक्सप्लेन करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है. सो जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले हेडिंग दोगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ. अब ग्रोथ को आप अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करोगे. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है. हम जो हमारा बीएड है ये सब्जेक्ट है, उसमें हम चाइल्ड से रिलेटेड बात करेंगे, तो हम ग्रोथ को चाइल्ड के टर्म्स में समझेंगे. सो अ चाइल्ड्स फिजिकल इंक्रीज इन साइज और अमाउंट दैट इज ईजिली ऑब्जर्व्ड इज ग्रोथ. सो जो ग्रोथ होता है वो बेसिकली इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट, ये होता है. जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारी ग्रोथ के अंदर आती हैं. देन जब आप अपनी टर्म को, ग्रोथ को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लोगे, देन यू विल स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस एक्सपर्ट्स और राइटर्स. फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस. सो हरलॉक के अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या था, उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन. जो ग्रोथ था वो चेंज इन साइज और चेंज इन प्रोपोर्शन था. मींस डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, जब आपके ओल्ड फीचर्स डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यू फीचर्स आते हैं, तो उनको उन्होंने ग्रोथ कहा था. अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. वाइल जो क्रो एंड क्रो थे, उन्होंने ग्रोथ को स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस से रेफर किया था. और ये जो आपकी डेफिनेशन होती है, अगर आप किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिख रहे हो, किसी राइटर की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो और एज इट इज़ वही डेफिनेशन लिखते हो जो उन्होंने दी होती है. उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं करते हो. देन नेक्स्ट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. अगेन जब आप डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू डू थिंग्स दैट आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट. बेसिकली जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसे हम मेजर नहीं कर सकते. डेवलपमेंट हमारे स्किल्स से रिलेटेड होता है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, या फिर हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कैसे कर पाते हैं अपने लर्निंग के साथ साथ, उसको डेवलपमेंट कहते हैं. देन अकॉर्डिंग टू हर लॉ, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस. सो ये जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, वो हरलॉक ने दी थी. देन अगेन अकॉर्डिंग टू जे एंडरसन, डेवलपमेंट इज़ कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन. तो अब जे एंडरसन ने डेवलपमेंट को क्या कहा था, कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारे ग्रोथ से ही रिलेटेड होती है, और जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में आते हैं ड्यू टू आवर एनवायरमेंटल सिचुएशन, वो हमारे डेवलपमेंट होती है. देन नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये भी आपका जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो डायरेक्ट 5 मार्क्स में आ जाता है. तो इसमें आपको 7 to 8 points लिखने होते हैं. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है. ग्रोथ, द टर्म इज़ प्योरली यूज इन फिजिकल सेंस, रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, एक्सेट्रा. सो ये जो एक ग्रोथ होता है, इस टर्म को हम प्योरली फिजिकल सेंस में यूज़ करते हैं. मीन्स जो भी हमारी बॉडी में, जो भी चाइल्ड की बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो उसके ग्रोथ के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसकी साइज़ में चेंज, इंक्रीज इन साइज, और उसकी हाइट में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, ये जो भी उसके फिजिकल आस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, वो ग्रोथ के अंडर आते हैं. देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग. अब हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे ओवरऑल चेंजेस से रिलेटेड होता है. मीन्स हमारे फिजिकल चेंज और जो भी हमारा बिहेवियर में चेंज होता है हमारी लर्निंग के साथ साथ, वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है.
देन ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर. क्वान्टिटेटिव इन नेचर मीन्स हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. अब आप अपने हाइट को, अपने वेट को मेजर कर सकते हो. और जो डेवलपमेंट होता है इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर. हम सिर्फ जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कांट मेजर आर डेवलपमेंट. देन ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड. अब जो हमारी ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ नहीं होती है. एक ऐसी एज आती है जहाँ पर हमारी ग्रोथ आके रुक जाती है. जो हमारा हाइट होती है वो रुक जाती है, हमारी हाइट में इंक्रीज़ नहीं होता है. तो ये सब क्या होती है, ये हमारी ग्रोथ होती है जो एक सर्टेन एज पे आके रुक जाती है. वाइल्ड डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ एंड इज़ प्रोग्रेसिव. बल्कि जो डेवलपमेंट होती है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ होती है. हम जब तक हमारी लाइफ होती है टिल डेथ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. तो वो सब हमारे किसके अंडर आते हैं, डेवलपमेंट के. और डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर. ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. अब क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ऐसा नहीं होता कि जिस भी पर्सन के, जिस भी चाइल्ड की ग्रोथ होती है उसकी डेवलपमेंट भी हो. कभी कभी होता है कि कोई कोई चाइल्ड ऐसा होता है जो अपने लाइफ में, अपने करियर में अच्छा नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाती. बट अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं होती तो उसकी ग्रोथ नहीं रुकती, उसकी ग्रोथ होती रहती है. बट ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी डेवलपमेंट भी होगी ही होगी. देन डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारा ग्रोथ हो या ना हो, अगर हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, नई नई चीज़ें करते रहें, तो डेफिनेटली हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती रहेगी. देन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो डिस्कस करेंगे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सो फर्स्ट इज़ आर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो होता है कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल. अब कंटिन्यूटी मीन्स जो चीज़ें लगातार चलती रहती हैं. फर्स्ट डेवलपमेंट फॉलोज़ कंटिन्यूटी. तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है इट फॉलोज़ कंटिन्यूटी. इट गोज़ फ्रॉम वोम टू टूम एंड नेवर सीजेस. मीन्स जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. टिल आर डेथ हमारी डेवलपमेंट होती रहती है. और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारे जो मदर की वोम्ब होती है, जब से हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तब से कंटिन्यू होती है और हमारे टूम तक जाते हैं. मीन्स हमारे डेथ तक ये कंटिन्यू होती रहती है और कभी भी रुकती नहीं है एक एज पे आके. देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि जो हर बच्चा होता है, हर चाइल्ड होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. कोई भी एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं. यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट. ईच चाइल्ड ग्रो एट हिज यूनिक रेट. अब इसमें इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में वो कांस्टेंट रहते हैं. मींस कांस्टेंट कैसे रहते हैं, हर चाइल्ड यूनिक होता है, ये बात सही है, लेकिन जो उसके डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो सेम रहता है. फॉर एग्जांपल उसकी ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है. जैसे हम क्या होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है, तो सबसे पहले जब वो क्रॉल करना स्टार्ट करता है, देन वो चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है. ऐसा नहीं होता कि पहले वो भागने लगता है फिर क्रॉल करना सीखता है. तो यही होता है कि वो जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट का वो कॉन्स्टेंट होता है. बट जो उसकी ग्रोथ ग्रो करने का पैटर्न होता है, उसके ग्रोथ का टाइम होता है, वो चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं. तो यही उनके अंदर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है. देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. चाइल्ड फर्स्ट लर्न जनरल थिंग्स एंड इट इज़ ओनली देन ही लर्न स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स. अब इसका मतलब क्या है कि जब एक चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो पहले वो जनरल चीज़ों को करना सीखता है, फिर वो स्पेसिफिक चीज़ों को करना सीखता है. देन इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न. डज नॉट प्रोसीड एट अ यूनिफॉर्म रेट. इट फॉलोज़ अ डेफिनेट सीक्वेंस. ये सेम हमारे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं होती. मीन्स हर एक बच्चा सेम टाइम में, सेम टाइम गैप में ग्रो नहीं करता, चीज़ों को नहीं सीखता. कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई थोड़ा स्लो सीखते हैं, लेट सीखते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में होती है. मीन्स पहले वो क्रॉल करना सीखेंगे, देन वो खड़े होंगे, देन वो भागना सीखेंगे. ऐसा नहीं होता कि इस पैटर्न में कोई चेंज होता है.
Then principle of cumulative development. Development is cumulative, it means to add up. अब इसमें जो हमारा ये principle of cumulative development है, cumulative means क्या होता है, add up, किसी भी चीज़ को add करना. तो जो भी हम अपने development के process में जो भी चीज़ें सीखते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे add on होती जाती हैं. Every single experience matters means अगर हम अपने lifetime में किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमारी development में add होती है. कोई भी experience हमारी life में होता है, हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं. कोई भी experience हमारी life का waste नहीं होता. Then next is principle of differential development. Differential development of male and female child. अब ऐसा माना जाता है कि जो girls child होती हैं वो जल्दी mature हो जाती हैं as related to boys. तो यही हमारा differential development होता है कि जो facts होते हैं कि कुछ चीज़ें जो girls होती हैं वो पहले सीख जाती हैं, कुछ चीज़ें जो boys होते हैं वो बाद में सीखते हैं. कुछ features होते हैं boys and girls के जो अलग अलग होते हैं या फिर उनका behavior अलग अलग होता है. ये सब चीज़ें हमारी differential development के अंदर आती हैं. Then principle of interrelated development. Development occurs as a whole. Physical, emotional and other type of development are interrelated and interdependent. अब इसमें क्या कहा गया कि जो भी हमारी development होती है, जो भी चीज़ें हमारी, for example हमारा physical change, emotional, social change, ये जो भी changes हमारे lifetime में होते हैं ये सारे एक दूसरे से interrelated होते हैं और interdependent होते हैं. हमारी जो development होती है वो सिर्फ किसी एक aspect को लेके नहीं होती, but ये सारे aspects को include करके, interrelate करके होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फिज़िकल चेंज होता है हमारी बॉडी का, वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल चेंज से रिलेटेड होता है. इमोशनल चेंज हमारे बिहेवियर से, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होता है. तो यही कहा गया है कि जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं, फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल चेंजेस, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं. Then next is a principle of interaction of heredity and environment. Child at any stage of his growth and development is a joint product of both heredity and environment. Means जो भी हमारी जो child की stage होती है, different stage होती है उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, देन लेटर चाइल्डहुड होता है, इसमें जो भी उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है या उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट होता है, उसकी लाइफ में डेवलपमेंट होता है, वो जो रिज़ल्ट होता है वो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का होता है. मीन्स उसमें आपके हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, प्लस जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, जो भी आपका एनवायरमेंट है उसका भी पूरा असर होता है आपके चेंजेस में, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. Then last is a principle of spiral and not linear. The child does not proceed directly on the path of development with the constant. He turns back and then moves forward again like a spiral. जो हमारा ये principle है इसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारे child की growth होती है वो linear नहीं होती, उसकी development linear नहीं होती. Means ऐसा नहीं होता कि वो birth से लेके जब भी grow होना start करता है, उसकी development होना start करती है, तो एक linear path में चलती ही चली जाती है. हमारी life में बहुत सारे ऐसे stage जाते हैं, चेंज आते हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, हमारी डेवलपमेंट भी रुक जाती है, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट में इंक्रीज होना शुरू होता है, तो क्या होता है, जब हम अपने मिडिल चाइल्डहुड में पहुँचते हैं तब हमारी हाइट होती है जो ग्रो करती है, इंक्रीज होती है, वो धीरे हो जाती है. देन सडनली जब हम अपने एडोलेसेंस, अपने टीनेज में पहुँचते हैं, तो हमारी हाइट सडनली ग्रो कर जाती है. तो ये क्या होता है, ये हमारा स्पाइरल ग्रोथ होती है. मीन्स कि एक पीरियड के लिए जो हमारी बॉडी थी उसने रेस्ट ले लिया, एंड अगेन जब हम अपने दूसरे स्टेज में आए तो हमारी बॉडी वापस से ग्रो करने लगी. सो इसीलिए कहा गया है कि दैट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर. He turns back and then moves forward again like a spiral. जो हमारी growth and development है वो linear नहीं होती, वो एक spiral की तरह move करती है, कभी रुक जाती है, कभी दोबारा होना start हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि हम अपने lifetime एक ही pace से grow करें, एक ही pace से हमारी development हो. So that was all about growth and development और उसके अंडर जो जो topics हैं. If you find this video helpful, please do like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching and best of luck.